नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। पिता ही अपने पुत्र की गिरफ्तारी को लेकर 9 दिनों से कर रहे हैं आमरण अनशन। एक पिता ही अपने पुत्र की गिरफ्तारी को लेकर आमरण अनशन पर हैं। ताजा मामला भागलपुर के समाहरणालय परिसर का है, जहां आदमपुर टीओपी अंतर्गत मसाकचक के रहने वाले राजेश सिंह ने अपने पुत्र की गिरफ्तारी के लिए जिलाधिकारी कार्यालय के पास पिछले 9 दिनों से आमरण अनशन पर हैं। मीडिया से बात करते हुए राजेश सिंह ने बताया कि मेरा पुत्र निहाल सिंह पलक सिंह नाम की लड़की के साथ 10 जनवरी 2016 को फरार हो गया है और माँ बेटे और मामा ने उसका अभियुक्त मुझे बनाकर फंसा दिया और मेरी जमीन और मकान को स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर हड़पने की कोशिश कर रहा है, जिसका टाइटल सूट न्यायालय में चल रहा है। फिर भी मेरे मकान को बिना न्यायालय के आदेश से उसे तोड़ा गया, जिसका मैंने विरोध किया। इस मामले में इसका सहयोग मेरा साला कर रहा है, जो एक आईपीएस अफसर है। उनके कहने पर आदमपुर टीओपी द्वारा मुझे अभियुक्त बनाकर प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके विरुद्ध मैंने आज 9 दिनों से न्याय की गुहार लगाते हुए आमरण अनशन पर हूं और जब तक मुझे उचित न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं आमरण अनशन पर ही रहूंगा। वहीं धरना स्थल पर चिकित्सक पहुंचकर उसकी जांच में जुटे और डॉक्टरों ने कहा अभी इनकी स्थिति सामान्य है। सर, मामला ये बहुत ही गंभीर है कि नाथ नगर ललमटिया थाना कांड संख्या 3216 में मेरा लड़का और एक लड़की प्रेम प्रसंग में भाग गया था और भागलपुर की निकम्मी पुलिस जो आज तक उस लड़के को, दोषी लड़के को अरेस्ट नहीं कर पाई और मेरा घर मसाकचक स्थित कुर्क की और मुझे भी अप्राथमिकी अभियुक्त बनाकर जेल भेज दी और फिर पुलिस उस आदमी से साठ गांठ कर जो हमारे शांतिपूर्ण दखल कब्जा के खिलाफ भागलपुर सिविल कोर्ट में टाइटल सूट 792/12 दाखिल किया और न्यायालय से बिना कोई आदेश प्राप्त किए मेरे शांतिपूर्ण दखल कब्जा को पुलिस के मिली भगत से गैर कानूनी तरीका से पहले घर तोड़ा, जिसका मैंने जोक्सर टीओपी थाना कांड संख्या 344/18 दर्ज कराया, जिसमें इंस्पेक्टर विजय कुमार ने 25,000 रुपया घूस मांगा, पैसा नहीं दिया और इसके लिए एसएसपी को सूचना देने पर वो मेरे केस को गलत करार दे दिया। यह लॉ के साथ बलात्कार का मामला है। किस कानून के तहत मेरे कुर्क घर पर बिना न्यायिक आदेश प्राप्त किए गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया जा रहा है, इसका प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं और मैं 9 दिनों से यहाँ अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर हूँ। प्रशासन कोई सुधि नहीं ले रहा और मेरा एक साला आईपीएस है, पांडे संतोष, आईपीएस ज्वाइंट सीपी कलकत्ता पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, उसके प्रभाव में आकर पुलिस मेरे लड़के को फ्री छोड़ दी है घूमने के लिए और मेरा कुर्क सामान आज भी आदमपुर टीओपी में जमा है और मेरे घर पर पुलिस ही मिली भगत कर अवैध कब्जा करा रही है। यही मेरा बयान है, यह लॉ के साथ बलात्कार है। अपना नाम बता दो। मेरा नाम राजेश सिंह सतीश, पिता स्वर्गीय शिव शंकर सिंह, सतीश सरकार लेन, मसाकचक, भागलपुर। दवा खाने को ये तैयार नहीं है, कुछ भी लेने को तैयार नहीं है। अभी क्या कंडीशन है? और ब्लड शुगर सामान्य है, कंडीशन अभी स्टेबल है, ब्लड शुगर का 118 है, सामान्य है। अभी फिलहाल इनको किस तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट दिया? मेडिकल ट्रीटमेंट कुछ भी लेने को तैयार नहीं है ये। क्या नाम है पेशेंट का? सर, पेशेंट का नाम है राजेश सिंह। राजेश सिंह 48 साल उम्र। अब क्यों आप अनशन पर बैठे हैं इसके बारे में वही बताएंगे। मेडिकल पार्ट पे ही इज एस्टेबल राइट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24x7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24x7। सब पर नजर, सबकी खबर।